ये वो भूमि है जहाँ मानव जाति का अतीत जिंदा है। यही मेरा भारत है, यही हमारा भारत है, यही अमूल्य भारत है। 10,000 वर्ष पूर्व की भारत की कहानी, घटनाओं एवं तथ्यों का लेखा जोखा आज भी उपलब्ध है, पर उससे पूर्व का नहीं। कुछ लोगों के अनुसार शुरू का इतिहास समय के गर्भ में खो गया। केवल भारत के पास ही मानव की इतिहास की कहानी शुरू से है। भारतीय कल्पित कथा के अनुसार मानव एक समुद्र से निकाले गए सुनहरे अंडे से बना। वैज्ञानिक विचारों के अनुसार हमारे पूर्वज 70 से 80 हजार वर्ष पहले अफ्रीका से दक्षिण भारत आए थे। इन लोगों ने भारतीय वनस्पति और समुद्री उपहार से अपना काम चलाया। सभी गैर अफ्रीकी लोग अपने पूर्वजों को भारत इतिहास में खोज सकते हैं। यही कारण है कि भारत को मदर इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। सभी भारतीय अनेक होते हुए भी एक हैं और एकजुट होकर जीवन व्यतीत करते हैं। भारत की संस्कृति और धर्म इस बात के प्रतीक हैं कि भारत की पहचान बनाई नहीं जाती, बनती रहती है। 10,000 वर्षों के बाद भी औद्योगिक प्रगति के कारण भारत एक नए आयाम पर पहुंचा। शहरों का उत्थान। भारत सबसे पुरानी सभ्यता का घर है। 7,000 BC वो समय था जब गांव इंडस वैली में बदले। भारत बाइबल से भी पुराना है, ये हड़प्पा ने प्रमाणित किया है। इंडस के किनारों पर बसा हुआ टूटी हुई गढ़ की दीवारों वाला होने पर भी ये उद्योग और व्यापार, सरकार और लेखन तथा भारी जनसंख्या का प्रतीक है। इस समय भारतीय जो शिकारी थे, व्यापारी बन गए। मोहनजोदारो वो राजधानी थी जो सामान से भरी हुई नावें फारस को बेचती थी। हिमालय से अरब सागर तक फैली हुई सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी। किसी कारणवश भारत ने अपना व्यापार छोड़ा और वापस भूमि के सहारे जीने लगे। लेकिन क्यों? इससे पहले भारत एक टीथस नामक समुद्र में एक टापू था। इस टापू की एशिया में टक्कर होने के परिणाम से हिमालयाज बने और नम वायु जो दक्षिण से चलती थी वो शुष्क होनी शुरू हो गई। तभी से भारतीय मानसून प्रिय हैं, इसलिए भारतीय उत्तर में ऐसी भूमि पर गए जहाँ की नदी हर तरह से संपन्न थी। ये नदी गंगा थी और यहीं से संस्कृत का उद्भव हुआ, जो संसार की सबसे बोली जाने वाली भाषाओं का मूल है। ऋग्वेद में सबसे पहली लिखी गई संस्कृत पाई जाती है, जो हमें उन जातियों के बारे में बताती है जिन्होंने जंगलों को जलाकर नई भूमि को पाया। ये लोग आर्यंस थे। इंडस शहरों के नष्ट होने जाने पर आर्यंस अपने साथ नई भाषा और नए विश्वास लाए। आर्यन सभ्यता की नई राजधानी पेशवास पाकिस्तान थी। पर अब भी एक नया प्रश्न उठता है कि आर्यन्स कहाँ से थे? उत्तर है, वो केंद्रीय एशिया से आए थे। इंडो आर्यन वैदिक समय में स्थापित हुए, जिन्होंने 1500 से 500 BC में हिंदुत्व की नींव डाली। इंडो आर्यन सोसाइटी का निर्माण जाति विश्वास के आधार पर हुआ। वैदिक समय के अंत में छोटे छोटे समूह एकत्रित हुए साम्राज्य बनाने के लिए, जैसे कि काशी, कोसला, अंगा, माला, शेडी, बादशाह, कुरु, पंचाली, मात्स्या, सुरन सेनास, असाका, अवंती, गंधार और काम्बोज। ये माना जाता है कि 537 BCE में सिद्धार्थ गौतम को जागृति हुई और वे बुद्धा हुए, जिन्होंने अपने विचारों को केंद्रीय एशिया, पूर्वी एशिया
दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाया। BC 520 में ज़्यादातर महाद्वीप फारसी एकमेनिड के नीचे डेरियस द ग्रेट के द्वारा लाए गए। 360 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर ने पंजाब पर विजय पाई, लेकिन भारतीय सेना को देखकर अलेक्जेंडर की सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन भारी हमलों के प्रभाव के कारण सरकार में बदलाव आया और भारतीय और फारसी धर्म ने मिलकर ग्रेको बुद्धिज्म या महायान बुद्धिज्म धर्म बनाया। अगला शासन मौर्य शासन हुआ, जिसे चंद्रगुप्त ने बनाया, जो अब बिहार है। ये अशोक द ग्रेट के शासन में पूर्ण रूप से पनपा। इस समय के तुरंत बाद भारतीय सभ्यता ईरानी सभ्यता में समाई। इस सभ्यता को इंडो रोमानी कहते हैं। जब मौर्य शासन का पतन हुआ तो कुषाण साम्राज्य उद्भव हुआ। कुषाण साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक फैला। इस साम्राज्य का अंतिम सम्राट वासुदेव था। ऑस्टस के साम्राज्य में रोमन्स ने इजिप्ट पर विजय पाई और वहां से उन्हें भारतीय सामान के बारे में पता चला। रोम भारतीय सामान पर इतना निर्भर था कि भारत हर साल 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रोम से प्राप्त करता था। वहां से भारत को जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, उससे भारत ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं बनाने का व्यापार शुरू किया। इसके बाद भारत में गुप्त शासन आया, जिसको भारत में गोल्डन एज या सुनहरा युग के नाम से बुलाया जाता है। गुप्त शासन काल में वैज्ञानिक तकनीकी इंजीनियरिंग आर्ट भाषा तर्क गणित खगोल विज्ञान धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई। कन्नौज के राजा हर्ष वर्धन के मृत्यु के बाद मलवास के गुजारा प्रतिहारास बंगाल के पालास और डेक्कन के राष्ट्रकूटास के बीच में संघर्ष हुआ। अरब मुसलमान जो भारत पर हमला करने के लिए उत्सुक थे, उनके लिए ये सही समय था। मोहम्मद बिन कुसिक ने हिंदू राजपूतों से लड़कर भारत पर विजय प्राप्त की। इस तरह अरब मुसलमानों ने दिल्ली सुल्तान बनाया। इसके द्वारा भारत में हिंदू मुसलमान का विलय हुआ। दिल्ली सुल्तान ऐसी सरकार थी जिसने एक महिला को सबसे ऊंचा स्थान दिया। 1526 के बाद बाबर आया, जिसने मुगल साम्राज्य बनाया और समस्त भारत पर शासन किया। बाद में अकबर ने इस साम्राज्य को प्राप्त किया। 1707 मुगलों की सत्ता का पतन हुआ।